सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेक्निकल बनिया। आज जैसा कि आपको दिख रहा है, इसको आज हम खोलने वाले हैं। ये रहे हमारे हथियार दोनों। ये हथौड़ा है, इससे क्या है, इसको फोड़ के देखेंगे। टूट पाती है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए फिर इसको शुरू करते हैं खोलना। और मैं आपको बता दूं, ये पूरी तरीके से एकदम वर्किंग में है प्रॉपर, लेकिन मैंने इसको अभी तक खोला नहीं है एक भी बार। तो चलिए इसको खोलते हैं। बिल्कुल नया मॉनिटर है ये। क्या है, अब इसकी इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं इस वजह से इनको कोई यूज़ नहीं करता। वैसे मॉनिटर नया है एकदम, LG का मॉनिटर है। कोई भी चीज़ खोलो भाई, सब खुलती ही नहीं है। पुराने ज़माने की तो इतनी मजबूत चीज़ें आती थी, अगर अब नए ज़माने की खुलने बैठो ना, एक बार में दो टुकड़े हो जाते हैं उसके। भैया खुल गया। ओ भाई मारो, धूल देखो इस पे, कितने करोड़ों साल पुराना लग रहा है। एक बार जरा इसको साफ कर लूं मैं, फिर दिखाता हूँ। ये हो चुका है, थोड़ा सा साफ करा, ज्यादा साफ नहीं करा, टाइम नहीं है साफ करने का। बेसिकली पहले मैं आपको इसकी वर्किंग बता देता हूँ, ये काम कैसे करता है। तो ये जो होती है इसमें, ये होती है हमारी फॉस्फरस स्क्रीन, मतलब ये फॉस्फरस की नहीं है, है तो ये ग्लास की, लेकिन इसके अंदर जो आपको ग्रे कलर की दिख रही है वो होती है फॉस्फरस की स्क्रीन। हाँ, और ये हमारा एक तरीके से पूरा है वैक्यूम चैम्बर। तो ये वर्क कैसे करता है, पीछे इसमें एक तरीके से ये इलेक्ट्रॉन गन होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन गन है, ये वाला पूरा मैकेनिज्म आपको दिख रहा है, ये पूरा इलेक्ट्रॉन गन का मैकेनिज्म है। तो यहाँ से क्या है, एक बहुत ही हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्लो करते हैं आगे, और फ्लो करने के बाद एक कोई शेप में यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं वो। तो उसकी वजह से जो है हमें डिस्प्ले दिखाई देती है। पूरा काम इसमें जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का होता है सिर्फ। और ये हमारी ये हाई वैक्यूम ट्यूब है, इसमें अगर जैसे हमने इसको प्लग इन करके हमने इसमें टच करा या कुछ भी करा ना, तो हमको बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है हाई इलेक्ट्रिक शॉक का। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये इसमें करंट की सप्लाई की जाती है। और मैं इसको बाकी का आपको खोल के दिखाता हूं। ये जो है इसमें अर्थिंग वायर दे रखा है ताकि कोई शॉक ना लगे किसी को। तो ये पूरी आप जो देख रहे हो इसको, ये सप्लाई केबल है इसकी पूरी, जो कि मैंने निकाल दी है। और हमारा CRT भी अलग हो गया है। ये कैसे हुआ, ये अभी तो गैस पूरा खोलना ही पड़ेगा अपने को, बिना खोले काम नहीं चलेगा। ये खुल रहा है हमारा CRT अलग, इसको फोड़ के देखने में आएगा मजा। तो एक और रिंग इसकी अलग। तो ये पूरी अपनी बाहर आ चुकी है, ये आप देख ही सकते हो। ये इसको एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने का काम कर रही थी, ये पूरी टॉर्च टाइप। और ये रही हमारी CRT, काफ़ी ज़्यादा हैवी। तो इसको फोड़ें क्या करें पता नहीं है, पर फोड़ नहीं सकते, बहुत ज़्यादा रिस्की है इसको फोड़ना। फोड़ेंगे इसको भी अगली वीडियो में, फोड़ते हैं इसमें भी, देखते हैं अंदर क्या निकलता है फोड़ के। और इसमें बाकी कुछ नहीं है, इसमें मेन तो अपना यही है, जिससे कि जो हमारा TV में कनेक्ट होता है उसको CRT को चलाने का ड्राइवर बोलते हैं इसको।
कुछ आईसीज लगी हुई है इसमें और कैपेसिटर ट्रांसफॉर्मर जिनकी मदद से हमारी ये सीआरटी रन होती है। दैट्स ऑल। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। इसको खोल के देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।